अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अफजाल और आप देख रहे हैं चैनल अफजाल केमिस्ट। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। मैटर के मुताबिक हम इस वीडियो में पांच बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो पांच क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, वेयर डज मैटर एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर में हम मैटर के मुताबिक एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। What are the types of matter? Matter कितनी types में exist करता है, वो तमाम types को हम discuss करेंगे। Fourth question होगा how many states of matter? Matter कितनी states में पाया जाता है, matter की कौन कौन सी हालतें हैं। And last question is there anything which is not a matter? क्या कोई ऐसी चीज है जो कि matter नहीं है। Very important question है और बहुत interesting question है कि जो कि mostly लोगों को नहीं पता कि matter जो है क्या कोई ऐसी substances हैं, क्या कोई ऐसी थिंग्स हैं जो कि मैटर पर मुश्तमिल नहीं होती। तो चलें हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज मैटर, उसकी तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैटर की अहमियत क्या है, हम मैटर को क्यों डिस्कस करते हैं। तो साइंस के अंदर हम मैटर को क्यों डिस्कस करते हैं, देयर आर थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एंड व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग मैटर। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम ब्रांचेस में जो कॉमन टर्म है वो है मैटर। तो हम कह सकते हैं कि तमाम की तमाम साइंस किसके गिर्द घूमती है, मैटर के गिर्द। तो हमें इस मैटर के मुतालिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदामंद होना जा रही है। चले देखते हैं हम व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मींस हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है हम उसको मैटर कहते हैं। मैस क्या होता है, मैस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर। एंड व्हाट इज मीन बाय ऑक्यूपाइंग स्पेस, ऑक्यूपाइंग स्पेस मीन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मैटर। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हर वो चीज जो जगह घेरती है, वॉल्यूम रखती है और उसका कुछ स्पेसिफिक वजन होता है हम उसको मैटर कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, वेयर डज मैटर एग्जिस्ट, भी मैटर कहां पाया जाता है, क्या हमें मैटर देखने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, क्या हम मैटर को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर ये है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। इस दुनिया में हर चीज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज दे हैव मैसेस एंड हैविंग द वॉल्यूम। इन दिस फोटो द हैंड, द सॉइल एंड द प्लांट ऑल आर मैटर। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द बुक, द लीव एंड द बेंच ऑल आर मैटर। स्टूडेंट्स, इवन वी आर ऑल मैटर, अवर अर्थ एंड अवर यूनिवर्स ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। द एयर जिसमें हम सांस लेते हैं इट इज ऑल्सो अ मैटर। तो स्टूडेंट, हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, द सब्सटांस एंड मिक्सचर। नाउ व्हाट इज द सब्सटांस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटांस एंड अ मिक्सचर। द प्योर मैटर इज नोन एज सब्सटांस व्हाइल इम्प्योर मैटर इज नोन एज मिक्सचर। स्टूडेंट्स, प्योर मैटर मीन्स ऐसा मैटर जिसमें कोई डिफरेंट पार्टिकल्स एड ना हो, और ऐसा मैटर जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स एड हो जाए हम उसको मिक्सचर कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम सब्सटांस और मिक्सचर को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास प्योर वाटर है और एक तरफ हमारे पास वाटर में सॉल्ट को मिक्स किया जा रहा है,
The pure water is a substance. और ऐसा मैटर, ऐसा हमारे पास मैटर जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया जाए उसको मिक्सचर कहते हैं. इन दिस एग्जांपल जब आप पानी के अंदर सॉल्ट को ऐड कर देते हैं, द सॉल्ट एंड वाटर आर द मिक्सचर नॉट अ सब्सटेंस. वी कैन आल्सो क्लासिफाई द मैटर इनटू लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर. तो स्टूडेंट्स, लिविंग मैटर नॉन लिविंग मैटर में क्या डिफरेंस है? मैटर दैट कैन मूव, ग्रो and can reproduce is known as living matter, while the matter that cannot grow or reproduce is known as non-living matter. तो students, आइए हम living और non-living matter में difference को with example clarify करते हैं. तो example थे हमारे पास plant है. plant की अगर हम बात करते हैं तो plant living matter है क्योंकि they can grow, plants can grow, while animals can also move. a table, a notebook, a clock and pen, also ink, all are matter, but they are all non-living matter. So it is a difference between living and non-living matter. So dear students, ab hum discuss karne ja rahe hain question number 4. Question number 4 hai, how many states of matter are there? Matter kitni halaton mein paya jata hai? Matter kon se states mein paya jata hai? The matter can exist in three physical states. There are three physical states of matter: solid, liquid and gas. What is the difference between these three physical states? Solid is a state of matter which have definite volume as well as definite shape, while liquid have definite volume but do not have definite shape, and gas neither have definite volume and nor have definite shape. ना तो गैस का कोई अपना वॉल्यूम होता है और ना ही गैस की अपनी कोई शेप होती है. लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम तो अपना होता है लेकिन शेप अपनी नहीं होती. जिस बर्तन में आप उसको डाल देते हैं वही उसकी शेप होती है. और अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड के केस में सॉलिड हैविंग डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम. स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन जो कि अक्सर माइंड में आता है, क्या कोई ऐसा मैटर है जो कि नेचुरली तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? तो क्वेश्चन का आंसर है यस, वाटर. वाटर कैन एग्जिस्ट नेचुरली इन थ्री फिजिकल स्टेट्स. स्टूडेंट्स, प्लाज्मा इज अ फोर्थ टाइप ऑफ, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. व्हाट इज प्लाज्मा? इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे. प्लाज्मा कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्लाज्मा हमारे तमाम यूनिवर्स में पाया जाता है. ऑल द यूनिवर्स, इवन स्टार्स एंड सन आर ऑल मेड अप ऑफ प्लाज्मा. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, इज देयर एनीथिंग दैट इज नॉट मैटर? क्या कोई ऐसी चीज है जो कि मैटर नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अक्सर बच्चों के क्वेश्चन जेन में आता है कि जी आया कि कोई ऐसी चीज है जो कि मैटर नहीं है. तो इसका आंसर होगा जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैटर नहीं है. अगर आप बात करें कि एवरीथिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, द मैटर एंड एनर्जी. जी डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी इज नॉट अ टाइप ऑफ मैटर. लाइक लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. लाइट एंड हीट एनर्जी आर नॉट मैटर. दे आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी. दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम nor have definite mass, so they are not a matter. Students, emotions, jazbaat, emotions are also not a matter. The sadness, the feelings, the happiness, the love, that are not a type of matter. Thanks for watching. Allah Hafiz.